हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरन केमिस्ट्री की पॉइंट सी एस आर 2018 जून में फोर मास का पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दो पार्ट दिए हुए थे, जिसमें ए हमें प्रोडक्ट बनाना था और फिर बी जो है हमें फाइंड आउट करना था, जिसमें जो ये था जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक के रिएक्शन से रिलेटेड था, दूसरा जो था इपॉक्सीडेशन करना था। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ था, यहाँ पे Pd2DbA का होल क्यूब दिया हुआ था, उसके बाद एलिगेंट दिया हुआ था। ऑप्शन ये फाइंड आउट करना था जो इतना जो रिएक्शन था वो ऑर्गेनोमेटलिक से रिलेटेड था, उसके बाद इपॉक्सीडेशन करना था जिसे हमें बी फाइंड आउट करना था। तो हम बात कर रहे हैं Pd2DbA का होल क्यूब क्या है। यह ट्रिस डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन होता है और डाई पैलेडियम होता है जो जीरो स्टेट में है। जीरो पैलेडियम जो होता है जीरो स्टेट में क्या होता है, या कोऑर्डिनेट करता है या पीडी से, ठीक है, या पीडी से स्टेट कर क्या कोऑर्डिनेट करता है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो स्टार्ट में या पीडी क्या करता है, या पीडी हम मानते हैं पीडी को क्या होता है, यहाँ पे जीरो स्टेट में है तो जीरो स्टेट में लिख लेते हैं, यानी पूरा लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यह पीडी क्या करेगा, एल्कीन से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो यह जो होता है दोस्तों, यह 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा, उसके बाद जो होगा यानी यह पीडी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जब कर लेगा पीडी तो यह क्या हो जाएगा, जीरो स्टेट में रहता है, लेकिन यह 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पर इसका जो लोन पेयर होगा वह क्या करेगा, इस इपॉक्साइड के क्या होगा, इस सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा जिससे यह क्या होगा, ओपन हो जाएगा, इपॉक्साइड रिंग ओपन होगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है ये देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो सपोज करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं पीडी अटैक करता है बिलो द प्लेन, तो यह क्या होगा OH जो रिंग ओपनिंग होगी वो क्या होगी, अबव द प्लेन हो जाएगी, तो यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, यह इसकी यह अपनी हेप्टासिटी क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है और यह हो जाता है पीडी प्लस में। प्लस में क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पीडी प्लस में हो जाएगा जिससे क्या होता है यह 16 से 18 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है पीडी प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो इसे बोलते हैं ज्यूटर आयनिक, ठीक है, या ज्यूटर आयनिक कंपाउंड हो गया। अब ज्यूटर आयनिक कंपाउंड हो गया, उसके बाद बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे EME है और COOET है, और यहाँ पे COO क्या है ET है, और यहाँ पे EME है, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन क्या है एसिडिक है, इसलिए क्या करेगा, या इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह एक्ट करेगा, या प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और वह क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। अब यह एल्किन जो है कोऑर्डिनेट करेगा, इसकी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, वो ईटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन से होगा तो ईटा 3 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यह हो जाएगा OH, ओके, या OH हो जाएगा। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हमें मिल जाता है, यानी यह पीडी यहाँ पे है प्लस में। अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल के अगर हम बात करते हैं तो एक बार और लिखते हैं COOET हो गया, एंड यहाँ पे COOET है और यहाँ पर EME है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वह न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, या निगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अब यह जो होता है यह 1,4 एडिशन देता है, ठीक है, तो 1,4 एडिशन देगा, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा या अबव द प्लेन हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, इसको कहा था कि अगर हम इसको बिलो द प्लेन हम अटैक कराते हैं, ठीक है, या अगर हम बिलो द प्लेन अटैक कराते हैं तो बिलो द प्लेन जाएगा तो अबव द प्लेन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यह अभी बिलो द प्लेन होगा। अब जब यह अटैक किया है तो इसका मतलब क्या है कि यह अबव द प्लेन से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो पीडी जब क्या है, पीडी इस लिगेंड के साथ है, इसका मतलब क्या है, नीचे जो है इसका बल्की ग्रुप है यानी मोर हिंडर्ड है, तो इसका मतलब है कि यह न्यूक्लियोफाइल जो होगा वह अबव द प्लेन अटैक करेगा और 1,4 एडिशन देगा। तो 1,4 एडिशन देगा तो इसका मतलब क्या है कि यह अबव द प्लेन आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा COOET हो जाएगा, यहाँ पर COOET हो जाएगा और यहाँ पे EME हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हमें ये ऑप्शन जो है फर्स्ट है ये हमें मिल जाता है, और फिर यहाँ से क्या होता है पीडी जीरो के स्टेट में क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है OH है। अब सेकंड जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर MCPBA है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड है, ठीक है। मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड को अगर हम लिखते हैं तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं,
मेटा क्लोरो, यानी यहाँ पे क्लोरो लिख लेते हैं, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा या मेटा हो जाएगा, बेंजोइक एसिड पर बेंजोइक एसिड सी वो 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 एच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, यह हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला ये, यानी दोनों एबव द प्लेन था। अब यहाँ पे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर यह होता है, इसमें होता क्या है, यह जो डबल बॉन्ड होता है यह ऑक्सीजन पर अटैक करता है। ठीक है, और यह क्या होता है सिन एडिशन देगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे। अब यह क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा इस पे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि यहाँ से क्या हो जाए, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इवन ही इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करें इपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। वैसे तो यह जो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है वो जनरली क्या होता है, वो बिलो द प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर OH दिया हुआ है, OH अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यह जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा उसी साइड से क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। होने का रीज़न क्या है कि जो ये हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, वह एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी OH जो होता है वो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक से कोऑर्डिनेट कर लेता है, जिससे यह क्या होता है, इसका जो अटैक होता है या इपॉक्सीडेशन होता है वह OH साइड से ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी इपॉक्सीडेशन होगा वह क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन एबव द प्लेन हो जाएगा या OH हो जाएगा, और उसके बाद जो है यह भी क्या है, एबव द प्लेन है, यानी जो तीनों जो ग्रुप हैं वह क्या होगा, वह एबव द प्लेन ही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एबव द प्लेन है, यह भी एबव द प्लेन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यहाँ पे बिलो द प्लेन है, यहाँ पे एबव द प्लेन, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है राइट था, सेकंड एंड थर्ड क्या है, रॉन्ग था। उसके बाद जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इपॉक्सीडेशन की अगर बात करते हैं, तो OH साइड में यहाँ पे क्या दिया है, OH बिलो द इपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो बिलो द प्लेन दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, और यहाँ पे एबव द प्लेन दिया है जो कि राइट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों थैंक यू, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, जिससे जो